हाय मैं हूँ पूजा भट्ट एंड एज़ ऑलवेज मैंने दिल खोल के बात की सिद्धार्थ कारण से एंड यू बेटर सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल नाउ नाउ क्या वाकई में जिया ने कहा था आपसे इन द हाउस कि वो सेफ नहीं फील कर रही थी एलविश के इर्द-गिर्द जी जी क्यों शी दैट एट दैट पॉइंट तो आई डेंट टेक दैट वेरी सीरियसली क्योंकि एक तो हम वो घर में रह रहे हैं जहाँ पे 200 सौ कैमराज हैं ठीक है तो वहाँ uh, बहुत ही सेफ माहौल एक तो है बट आई थिंक जिया ने वो कॉन्वर्सेशन जो एलविश और अभिषेक और मनीषा का एक हो रहा था uh, वो एक पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन उसने सुना एंड शी केम टू सम कंक्लूजन के एलविश की जबान जो है ऐसी है वैसी है जो भी होगा एंड शी केम एंड शी टोल्ड मी के ऐसे बातचीत हो रही थी तो मैंने इमीजिएटली एलविश को साइड में लेके मैंने कहा मैंने बोला देखो मेरा एक इक्वेशन है आपके साथ में और अगर मैं ये बात आपको ना कहूँ तो फिर मतलब हमारा रिश्ता जो है ढोंगला है hmm. तो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट कि मैं आपको कहूँ कि ये मुझे बोला गया कि आपने ऐसे ऐसे बात की किसने बोला इम्पॉर्टेंट नहीं है किसके बारे में आप बात कर रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है मगर आपने मुझे अपने पिताजी के बारे में बहुत कुछ कहा है और मैं होप करती हूँ कि ज़िंदगी मुझे एक मौका दें कि मैं आपके पिताजी को मिलूँ बिकॉज आई वॉज हैड ग्रेट एडमरेशन फॉर हिज फादर जो भी कहानी एल बिज मुझे सुनाता था अपने चाइल्डहुड के बारे में या अपने घर के बारे में आई फेल्ट कि उसकी मॉरल बैकबोन जो है उसके पिताजी से क्योंकि तो पिताजी एक प्रोफेसर हैं पब्लिक स्कूल में यू नो हिज़ फंडाज आर वेरी सॉर्टेड इन लाइफ तो मैंने ही वो वो मी के बता जब भी मैंने ऐसे किया था मेरे पिताजी ने ऐसे हैंडल किया तो मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आता था वो किससे सुन के बिकॉज आई फेल्ट के दिस इज़ द मैन आई वॉन्ट मीट या कि ऐसे ही मतलब आई कुड रिलेट टू द माइंड सेट तो मैंने उनको यही कहा कि देखो आपने अपने पिताजी के बारे में मुझे कहा आई होप दैट लाइफ और जिंदगी हमको एक मौका मिले कि मैं उनको मिलूँ एंड जिंदगी ने हमको फिर एक मौका दिया बिकॉज वो घर में आए उसके बाद में आई साइड मैं जो भी करती हूँ ना एलविश मैं पहले सोचती हूँ कि अगर ये एक्शन और ये शब्द जो है मेरे पिताजी सुने वट वुड ही से टू मी और वो मेरा एक कॉन्शियंस है एट द बैक ऑफ माई माइंड तो आई साइड आप भी ना उस चीज़ को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो एंड डू एंड से एनी थिंग कीपिंग इन माइंड की पिताजी और माँ अगर सुनते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं ही अंडरस्टेंड इमीजिएटली एंड पीपल थाट कि मेरे और एलविच का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा मैं ये बात जाके बेबिका को बोल दूंगी इनफैक्ट इवन एलविच और अभिषेक को लगा कि बेबिका को पता है मैंने जान के बेबिका को नहीं कहा मैंने बोला बात वो नहीं है बात यह है कि आई न्यू के उनका स्टेटमेंट जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स लिया जा रहा है शायद एंड जो भी हो लेट मी आस्कम डायरेक्टली ना कि हाउ हैव यू सेट दिस आई कॉन्ट बिलीव दैट यू हैव सेट दिस बिकॉज आई हैव अर्टन एडमरेशन फॉर योर माइंड तो उन्होंने इमिजिएटली सॉर्ट आउट किया तो उस टाइम पे जिया ने सुन के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद उसको लगा था कि नहीं आई डोंट फील सेफ एवर जिया फॉर यू जिया के फीलिंग्स भी बदलते हैं काफ़ी एज़ यू नो यू फील अबाउट जिया आप उन्हें पसंद करती हैं आई डोंट डिसलाइक हर क्योंकि डिसलाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है बट आई थिंक कि जिया का देखो मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में फ्रेंडशिप्स Uh, अगर आप मुझे पूछे कि वॉट इज योर वेल्थ इन लाइफ आई वुड से आई वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन दिस कंट्री क्योंकि मेरी दोस्ती जो है ना जो मैंने दोस्त पाए हैं ज़िंदगी में आई हैव वेरी सॉलिड फ्रेंडशिप्स पीपल हु जो मैं 12 साल की उम्र में मिली थी अभी मेरे दोस्त yeah. हैं और अब भी कैपेसिटी है इवन एट 51 वन ले लोग बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट आप दोस्त बना नहीं सकते हैं जो आपके दोस्त हैं तो वो ही रहते हैं आई डोंट बिलीव दैट मेरी कैपेसिटी है कि हर फेज़ ऑफ लाइफ पे जब मैं लोग को मिलती हूँ हम अ पीपल पर्सन मेरा जब भी रिश्ता किसी के साथ बनता है तो देन इट्स अ बॉन्ड फॉर लाइफ अनलर समथिंग हैपन्स विच जहाँ पे हमारा कौर फिर हिल जाता है वैन आई शू सी जब भी मैं देखती थी कि जिया के रिश्ते बदलते थे काफ़ी एंड आई फील कि जिया ने अविनाश के साथ बहुत ज्यादा की अविनाश हैज बिन लाइक अ रॉक विथ हर, उसने बहुत सिचुएशंस में जिया को हेल्प किया एंड ही नेवर डिड इट बिकॉज ही वॉन्टेड एनी थिंग बैक बट आई थिंक कि शी वॉज नॉट फेयर विथ हिम आई डोंट थिंक दैट आप एक फ्रेंडशिप को इतना फो ग्रांटेड ले सकते हैं एंड एक्सपेक्ट के वो ठीक हो जाएगा तो आई विश दम द वेरी बेस्ट आई होप के वो डिफरेंसेस अपना रिज़ोल्व कर पाएँ तो so, जैसे मैंने उनको पहले भी कहा था जिया और उसके बदलते रिश्ते तो वो हैं काफ़ी वट एवर रीज़न बट आई थिंक दैट इफ आई हुआ एम आई टू एडवाइस आई एम नो वो एडवाइसर बट यही होगा कि जब भी आप किसी का हाथ थामते हैं ना इतनी जल्दी में ऐसे हाथ को झटको मत बिकॉज रिश्ते में झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वही तो रिश्ता होता है आप उन्हीं के साथ झगड़ेंगे जिनको आप प्यार करते हैं और हक से बोलोगे चीज़ैक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly, exactly. तो रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है हा 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 ही 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 एंड यू गेट लॉन्ग ऑल द टाइम एंड यू अग्री ऑल द टाइम एंड यूर ओनली अचीव अडर नो यू मस्ट क्वेश्चन यू मस्ट डिसअग्री आपको बोलना चाहिए कि नहीं यार सिदा जो तूने किया था ना अंदर वो गलत था आई डेंट लाइक टू हियर दिस दैट्स एन इक्वेशन इज तो एज टू फाइंड विथ हर क्या होता है कि इफ हर शी वुड इंस्टेंटली शिफ्ट है लॉयल्टी एल्स वे क्यों किया क्या किया वो ही जाने गेम शो खत्म हो चुका है आई होप दैट्स नॉट वॉट शी इज आउट इन द रियल वर्ल्ड बट वॉट आई सॉ आई फेल्ट के के साथ म्यूजिकल नहीं खेला जाता है। डाउन बहुत emotional. जी हाँ, बिल्कुल। बहुत, हु, बहुत हु, बिल्कुल right, right? Of uh, जो लोग 12 साल की उम्र से अपने दोस्तों को मेरे, मेरे ज्वाइन किया hmm. वो आपके सामने बैठी थी बिफोर like वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है लोग आपके पिताजी पे जजमेंट्स मारते हैं ठीक है, है इंडस्ट्री में ये सब एजर आप को एक तो मेरी डिफेंस की जरूरत है नहीं हाँ महेश भट्ट प्लान आई थिंक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फिल्म को छोड़ दो आई थिंक लोगों की जिंदगी में बहुत ही गहरी रह चुकी है मुझे पता है कि जिस दिन Uh, और लोग बोलेंगे आप बात कैसे कर रहे हैं क्योंकि लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस डेज मगर एक दिन आएगा जब भी वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे फिज़िकली और मुझे पता है कि उस दिन सिर्फ उनके बच्चे नहीं रोएंगे दे विल बी काउंटलेस पीपल जो ओफन फील करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई है एंड जिंदगी बनाई का मतलब ये नहीं कि उनको ब्रेक दिया है या रोल दिया है मगर उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है और एक फीलिंग दी है कि यू आर ओके द वे यू आर दुनिया आपको ये हमेशा कहेगी कि आपको कुछ और बनना है मैं कहता हूँ जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें ये फीलिंग लोग आपको नहीं देते हैं इनफैक्ट बिग बॉस के घर में भी यही तो खासियत थी कि द बिगेस्ट गेम वॉज कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करें इमोशनली कि लोग आपको बोलते रहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं या आप ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं या आपको ये नहीं करना चाहिए या लोग सोच रहे हैं कि ये हाउ डू यू बी योर सेल्फ इन वर्ल्ड दैट वॉन्ट्स यू टू बी एवरीथिंग बट यू सबसे मुश्किल काम है ये अच्छे ब्लब्स हैं बी रियल बी ट्रू मगर जब ये आप रियल बनते हैं दुनिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रियलनेस से रियलनेस भी मैनिफ मतलब क्यूरेटेड पॉलिश्ड रियलनेस चाहिए लोगों को क्यों दिस इज रियल गुड बैड ओ अगली दिस इज़ इट तो मुझे पता है कि द डे महेश भट्ट इज़ नॉट ऑन दिस एनी मोर ना इन्यूवरेबल लोग अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ से विल जेन्यूनली मोन बिकॉज ही इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लाइफ विदाउट वॉन्टिंग एनीथिंग बैक तो एक तो आई फील के अगर मैं सिर्फ वो फिफ्टी परसेंट 50% फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड से कि वो गलत इंसान है फिफ्टी परसेंट कहता है कि वो भगवान हैं मैं किसके शब्द को बिलीव करूं मैं तो कहती हूं दोनों के शब्द को मैं बिलीव नहीं करती हूं मेरे पिताजी हैं मैं उनको करीब से जानती हूं आई नो वॉट ही इज एंड आई एम वॉट आई एम बिकॉज मेरी पैदाइश ऐसे घर में हुई है जहाँ पे महेश भट्ट वॉज द हेड ऑफ द फैमिली मेरी माँ जो बहुत ही पब्लिसिटी शाए है उनको कोई शौक़ नहीं है कैमरा के सामने आने के लिए मेरी माँ और उनका रिश्ता कुछ पचास साल से ऊपर है शी इज हुज मेड मी हुआ तो आई फील के जब भी हम कुछ फिल्म बनाते हैं या एक स्टेटमेंट ट्वि ट्विटर पे डालते हैं या इंस्टाग्राम का पोस्ट डालते हैं दैट रिवील्स more मोर देन person दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आपकी आंखों में एक रोशनी आती है एंड उनकी एक छोटी लड़की है He said, I hope कि सर आई होप कि जब भी मेरी बेटी बड़ी होगी जब भी वो मेरे बारे में बात करेगी तो उनकी आंखों में भी एक रोशनी आती है तो आई फील कि माई फादर इज़ अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल और ही इज़ बिन माई टीचर वो मेरे मेटो रह है चुके हैं मगर हमारे ख़ानदान में एक ऐसा ये नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा अग्री ही करना है इनफैक्ट मैंने ये कहा भी था जब वो आए थे और mm -hmm. वो बातें कर रहे थे वो जीत और हार के बारे में मैंने कहा भी था कि मैं डिसग्री करती हूँ महेश भट्ट के साथ में कि मेरे लिए जीत हर चीज़ नहीं होती है इट्स अबाउट हाउ यू प्ले द गेम कभी कभी हार में भी जीत होती है और जीत में भी हार होती है तो मेरा फंडा थोड़ा अलग है और हम ओपनली अपने ओपिनियंस को डालते हैं हम डिसग्री करते हैं हम झगड़ते हैं बट वुड आई ट्रेड महेश भट्ट फॉर एनी अदर मैन इन द वर्ल्ड एज अ फादर नो चांस यू नो अब आपने इतना देखा है लाइफ में जब भट्ट साहब के दो फैमिलीज थे राइट यंग पूजा भट्ट उस वक्त अंडरस्टैंड कर पा रही थी और क्या वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि नहीं इंसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हो गई थी क्योंकि क्या है कि वही तो है लोग अपने घर के बाहर बड़े होते हैं अपने घर के सच जो है बाहर जाके नहीं बोलते हैं हम एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे जहाँ पे हमारी प्राइवेट लाइफ जो है स्टारडस्ट में सिनेब्लिट्स में वो आ जाती थी मगर फ़र्क ये था कि स्टारडस्ट या सिनेब्लिट्स में आने से पहले मुझे सच पता था क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि अभी हमारे साथ ये हो रहा है न आज के दौर में सेपरेशन डिवोर्स सपोजेड ब्रोकन फैमिलीज इज़ क्वाइट कॉमन एवरी सेकेंड घर में जो है दे माइट बी सेपरेशन और वट एवर इट माइट बी और कोई ऐसे भी घर हैं जहाँ पे लोग तीस साल से चालीस साल से एक साथ में रह रहे हैं मगर उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही अलग है ये बच्चे भी जानते हैं माँ बाप भी जानते हैं घर के जो काम कर करने वाले हैं वो भी जानते हैं मेरे माँ बाप ने झूठ नहीं बोला एक दूसरे को दे वो वेरी यंग आशिकी की जो लव स्टोरी है एक्चुअली वो मेरे माँ बाप की ज़िंदगी पे बेस्ड है तो दे इन लव एंड लवी अदर बन दे वेरी यंग और जब भी उनका रिश्ता जो था बदल गया एंड वन माई फादर मेट सोनी एंड डिसाइड टू गेट मैरिड टू सोनी मुझे पता था बिकॉज ही टोल्ड मी कि मैं सोनी राजदान को मिला हूँ एंड आई आई एम प्लानिंग ऑन मैरिंग दिस वमन लोग बोलते हैं कि अरे यार इतनी यंग उमर में आपको कैसे कहा मगर आई प्रिफर कि मैंने ये बात अपने बाप के मुँह से सुना और एक मैगज़ीन में पढ़ा नहीं और आज जो है मेरे भाई में और मेरी बहनों में मुझे तो फ़र्क लगता नहीं है क्योंकि वो मेरे खून है इत रिलेशनशिप सोनी जो है सपोज इटली स्टेप मदर एक तो ये शब्द इतना गंदा है स्टेप मदर बट सोनी फैमिली टू मी वो फैमिली है एंड शी विल बी फैमिली फॉर एवर यू नो सो द पॉइंट इज के रिश्ते जो है ना सिद्धार्थ वो पेपर पर पे ना बनते हैं ना टूटते हैं अगर मेरे एक साइन करने से कि ना वी आर डिवॉर्स्ड वो रिश्ता वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है ना और ऐसे कहने से कि नाव वी आर मैरिड वो वहाँ पर शुरू नहीं हो सकता है ना तो रिश्ते जो है पेपर पे बनते नहीं है टूटते नहीं है रिश्ते रिश्ते होते हैं कि कोई आपको क्यों अच्छा लग जाता है क्यों आपको किसी के ऊपर उम्मीद होती है या ट्रस्ट होता है या आप लॉयल्टी उस इंसान को देना चाहते हैं चाहे वो आपको कुछ दे या ना दे क्यों होता है ये दिल की बात दिल ही जाने इनफैक्ट मैं जब आप बात कर रही थी तो मेरी कुछ दोस्त है राइट जब शादी शुदा है तो जब भी मैं उनके साथ बॉयज नाइट करता हूँ तो हम लोग वो लोग अलग बात करते हैं और फिर मुझे बोलते हैं देखो कल बीवियों के साथ मिल रहे हैं

चैनल भी उस टाइम पे था Boss, मैं, मैं, मैं बोलू ना उसका हाँ, चलेगा ना बोलो। अरे उधम सिंह उस जमाने में ही <laughs> cool. right so yeah. मुझे समझ मैं बोलू की नहीं आता मुन्ना जी जिनको उद्दम तो उस जमाने में सॉरी मैं एड्रेस कर रहा हूँ लोगो को यहाँ और अपना नाम बीप करने की जरूरत नहीं, नहीं है तो क्या होता था कि लोग आते थे विच इज नॉट रॉन्ग एक अमेरिकन uh, एक्सेंट से फॉरेनर्स आते थे, थे बोलते थे चेक दिस आउट वी प्लेइंग सम कूल म्यूजिक टू ईच इज ओन और सडनली एक इंसान अपना डंडी पकड़ के आ, वो ब्लैंकेट के साथ ब्लैंकेट के साथ गाने इंट्रोड्यूस करता था हरियाणवी एक्सेंट के साथ बिल्कुल जो एपिक था यार बिल्कुल तो माई पॉइंट इज मैंने एलविश को वही कहा प्लीज अंडरस्टैंड कि मेरा कनेक्ट आपके साथ इंस्टेंटली क्यों है क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जिसने पैन इंडिया हरियाणवी एक्सेंट को हरियाणवी को cool, cool cool तो जब भी मेरी शादी भी हुई उनसे पूरा हिंदुस्तान तो चौंक गया उन्होंने कहा एंग्लिसाइज इंग्लिश स्पीकिंग पूजा भट्ट कि शादी हुई एक हरियाणवी मतलब लड के साथ घूमता है कंबल लेके है शादी मतलब कनेक्शन क्या है बट बिकॉज वी पोलर बिकॉजिट बी काइंड ऑफ कनेक्टेड और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही you know you know क्वर्क तो ही था एंड इफ यू नो मुन्ना ऑफ देन यू नो कि मुन्ना इज नॉट उधम सिंह इन रियल लाइफ ऑल्सो बट इवेंचुअली उसका कॉर तो वही है तो हमारा इमिजिएटली वी हेट इट ऑफ बिकॉज बोथ ऑफ आज डिंडिवा डैम स्ट्रॉ इंडिविजुअल्स और हमारे शादी में इनफैक्ट जब भी, भी आप बोल रहे थे अबाउट योर फ्रेंड सर्कल मुझे याद आई आई वॉज हो आई वॉज जब वो रूम में थे और जब भी वो रूम में नहीं थे ऐसे नहीं कि मेरा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया जब भी मेरा पति मेरे साथ में था और जब भी मैं अपने यू you नो know, मेरे तो 90% परसेंट फ्रेंड्स आ मेल सो इट वॉज नॉट लाइक हाई टू चेंज माई बिहेवियर और चेंज माई इक्वेशन बिकॉज ऑफ हिम तो इसलिए वो शादी चली भी ग्यारह साल के लिए बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर हम दोनों के बीच में था आई वॉज वॉट आई वॉज विथ हिम और विदाउट हिम देर वॉज नो नीड कि आप एडिट करके बातें बोलें इफ आई हैड अ बॉयज नाइट आउट आई हैड अ बॉयज़ नाइट आउट आई वुड कम बैक एंड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट इनफैक्ट माई फ्रेंड वुड से यार तू निकल जाओ उसको बोला <laughs> ऐसे यार साले दोस्ती तो मेरे साथ है या बट योर योर हसबेंड इज मोर फन यू नो यू यू कैन टू गेट अ काइंड डल कावर इट माइट बी तो इसलिए तो चली बट जिस दिन हमको लगा कि समथिंग इज चेंज एंड वी डेंट हैव किड्स टू इट मेड द डिसीजन ईजियर जब भी बच्चे होते हैं द इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट लॉजिस्टिक्स होते हैं तो इवन दो वी हैड हमारे हमारे आर्थ कुत्ते थे और वो हमारे लिए हमारे फोर लेगेड बच्चे थे यू नो बट वी सैट डाउन एंड वी स्पोक और हमने एक दूसरे को कहा कि देखो डू वी हम दोस्त हैं पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट है इसलिए तो हमने शादी की ग्यारह साल के लिए वी हैव बीन ट्रू टू दिस मैरिज देर वॉज नो मेसिंग अराउंड देर वज नो लुकिंग ओवर सम बडी शोल्डर तो क्या हम उसी चीज़ को मैंटेन करना चाहते हैं या हम बाकी कपल्स की तरह बन, बन, बनना चाहते हैं जिनकी शादी है मगर नहीं है यू नो वो आई मीन सो आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू एवर बी इन अ पोजिशन जहाँ पर आपके शोल्डर की बियॉन्ड में देखूँ आई डोंट वॉन्ट टू एज लॉन्ग एज आई एम मैरिड टू यू बी देट पर्सन वे आई फील के ये आर कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करो तो ईजी डिसीशन नहीं था मगर हमने मचोली बैठ के एक म्यूचुअल डिसीशन ले ली कि नहीं चॉइस से शादी की थी अभी चॉइस से रिश्ता जो है हम अभी चेंज कर रहे हैं तो द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप चेंजेस आप दोस्त हैं उनके साथ अभी भी जी एट दिस पॉइंट नहीं यू क्योंकि वो कोविड के टाइम पर उनका थोड़ा ये हो गया था बट वी वर 2014 में माय रिलेशनशिप विथ हिम एंडेड टू 2014 से लेके 2020 तक हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वेयर ही न्यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एट दिस फेज करेंटली नहीं है बट आई हैव नो इन फीलिंग्स विश इम देरी बेस्ट मज़ा आया यार. We had a great marriage, we laughed, we fought, we enjoyed, we partied. क्या क्या नहीं किया वो ग्यारह साल में

Uh, and I just cracked up. मैंने कहा इतना cool है जो open है. Irre irreverent है. Irreverent है yeah, absolutely. Yeah, yeah, yeah. But you've also had tough relationships in the past, right? I have good, so, bad and ugly. But my point is कि क्या है कि when you look back on your life, I think कि जो आप होते हैं, जो आप हैं इस point of life पे, it's a combination of all जिनको आप मिले हैं, जो music आप सुने हैं. जो ट्रैवल आपने जाके आपने शहरों को आपने डिस्कवर की है फूड यू यू वीट इन द गुड बैड अगली वही तो आपको बनाता है ना hmm. तो वुड आई वॉन्ट टू चेंज एनी थो वु रीलिव लाइफ एंड डू इट डिफरेंटली नो बिकॉज वही मिस्टेक्स हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं मैं भी अपनी छोटी बेटी को जब लोग गिरते हैं ना तो मैं यू बिकम स्ट्रोंगर

स्ट्रॉग रोल्स मैंने ये आपको कहा था लास्ट इंटरव्यू में बाल्की के जी, साथ जी. में कि मैं आम कैंडी आई कुड नॉट प्ले ऐसे चुप में भी मैं ब्रेन कैंडी प्ले कर रही हूँ hmm. तो सडनली मैं बिग बॉस के घर में जाके सडनली आम कैंडी नहीं बन सकती थी कि मैं छलांग मारूँ टेबल पर सारे डांसिंग आई मीन आई एम ब्रेन कैंडी इन दैट सेंस सो हाँ उस टाइम पे आई कुड नॉट रिलेट टू अ लॉट ऑफ द रोल्स लोग बोलते थे कि सो एंड सो सु आपका हीरो है चार कमाल के गाने हैं मैं बोली रोल क्या है अरे रोल मांग रही है दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करती है काम मो काम मो गो समी हु पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म तो आई फेल्ट अ अटल आउट ऑफ सी ये टाइम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है एन एक्टर द फैक्ट आई एम फिफ्टी वन मैंने अभी दो शोज़ बैक टू बैक कंप्लीट की हैं जो बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फोर में रिलीज होंगे आई एम प्लेइंग माई एजेमिडली अनअबैशली इवन बॉम्बे बेगम्स में मुझे ऐसा रोल मिला हुआ आई एम प्लेइंग अ फोर्टी नाइन ईयर ओल्ड यू नो एंड मेनपोज के इशूज थे इसके इशूज थे दी एजिंग फैक्टर ऑल टेकन अकाउंट एंड आई थिंक वो ऑडियंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है पीपल लाइक दैट बिकॉज दे सी दैम सर्वज एंड दे सी द स्ट्रगल आर गोइंग थ्रू थ्रू कैरेक्टर एंड थैंक गॉड के ये यूथ ऑब्सेशन जो है कहीं ना कहीं हम उससे निकल रहे हैं यू नो बिकॉज एक टाइम था बॉलीवुड में विद ए सेट नई यंग फिल्म लोगों के लिए फिल्म बनाओ यंग लोगों के थ्रू आप डायलॉग का यू नो बुलवाइए एंड आई फल के सम लूजिंग द ग्रेविटाज एक गहराई जो थी वो स्लिपिंग अवे बट द वर्ल्ड इज चेंज और ओ टी टी प्लेटफॉर्म तो लादुल रिस्पॉन्सिबल क्योंकि जैसे आप देखेंगे स्ट्रॉग वुमेन कैरेक्टर्स एनी एज ग्रुप इट गोज़ बियॉन्ड रेस इट गोज बियॉन्ड सेक्स इट गोज़ बियॉन्ड यू नो बॉडी टाइप एंड पीपल आर ट्यूनिंग इन टू स्टोरीज सो दैट्स इथ एन ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर इथ अ ग्रेट टाइम टू बी फिफ्टी वन And single. In, and single. Yes. With a date which is already planned for 68 years, one <laughs> is 17 years later on. अच्छा, <laughs> but ये कहना चाहता हूँ, आलिया ने इसका मजाक उड़ाया था एक शो पर, जब कहीं rumours थे कि आप आलिया की mother हैं. Are you aware of that rumor? Yeah, I mean it's just so uh, idiotic. So yeah. what, what did Alia say? So so Alia said she burst into laughter और उन्होंने खुद ये mention किया कि ये rumours आए थे and she started laughing. This is the most ridiculous one. Right. Yeah. yeah. जब आप सुनते हो तो डी लाफ ओवर इट नो आई जस्ट से समटाइम जब ये बार बार लोग दोहराने की कोशिश करते जैसे मुझे लोगों ने पूछा hmm. कि जब मैं बाहर आई थी एक तो जब मैं बाहर आई थी ओवर वैम क्योंकि मीडिया ने बोला कि आई डोंट थिंक कि आप जैसे डिग्निफाइड कंटेस्टेंट शायद बिग बॉस में आज hmm. तक गया है यू नो डिग्निटी के साथ सबके साथ पेश आके आप बाहर निकले हैं देन ऑफ यू ने मासमी दे सकते हैं कोई लोगों ने कहा कि भट्ट साहब का जो बर्ताव था मनीषा रानी के साथ में या जिया के साथ में या Who uh, who was was the the other girl? I don't even know who was there in the house at that time हु okay, he was over familiar, तो familiar यार i said यार, जबी वो घर bhi में आते हैं और पहले aur मिलता है milta hai and he holds jad and he kisses him on his forehead, वो तो आपको ठीक लगता है अभिषेक के साथ sath चीज़ करता है तो ठीक लगता है तो अगर आपको सडनली किसी के इंटरेक्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो आपको रिवील करता है या इंसान को कि हम दुनिया वैसे ही देखते हैं जैसे हम होते हैं हम दुनिया वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है सो दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड इट इज रिवीलिंग द पर्सन मोर ये तो बहुत हमारे देश में तो बहुत पुरानी चीज है कि सा टिंग अबाउट समबडीज रिलेशनशिप विद देर डॉटर और विद देर भाभी और विद देयर सिस्टर और विद वडेवर तो नाउ हाउ डू यू काउंट्रैक्ट दैट कि आप इस चीज़ को डिग्निटी भी दे सकते हैं रिस्पॉन्ड करके तो इट्स अब्जर्ड एंड इट्स सो ओल्ड नो तो अगर कुछ लोग लो होते हैं जी जो बहुत अफेक्शनेट होते हैं जैसे एक टर्मिनोलॉजी आज के जमाने का हगर ही सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड एंड मैं जरा दुनिया को बोल दू कि महेश भट्ट लेडीज लाइफ महेश भट्ट को कोई ज़रूरत नहीं है hmm. इस उम्र में दो uh, सौ कैमरा में के सामने आके टू ट्राई एंड अटेम्प्ट एनी थिंग बिकॉज आप उनको मिले ही नहीं हो आप उनके साथ बैठे ही नहीं हो तो आप कैसे डिटर्मिन कर रहे हैं आपने खुद कहा कि एल्विश ने भी वीडियोस बनाए उनके बारे में बाद में उनका मगर उन्होंने कहा कि मिलने के बाद में मेरा फीलिंग बदल गया है तो अगर एलविस जैसा लड़का जो इंटेलिजेंट है ब्राइट है अपवर्डली मोबाइल है ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड अगर वो अपना दिमाग बदल सकता है तो चांस नहीं है कि कोई जो बाहर बैठा है तो जो सिर्फ मतलब मीडिया के परसेप्शन से एक एक आइडिया फॉर्म कर रहा है हाँ मेरे पिताजी एक सेक्युलर इंसान रहे हैं अनबैशली सेक्युलर और ही पेड द प्राइस फॉर दैट ओपिनियन ऑफ़ हिज फॉर दैट माइंड सेट ऑफ हिज एंड आई नो कि बहुत सारा बैकलैश इसलिए आता है क्योंकि ठीक है आप तो कहीं ना कहीं किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर आपकी ज़िंदगी इतनी स्क्वीकी क्लीन है हाउ विल यू गेट एट दम ओनली इन दीज सिली मैनर्स मगर अनफॉर्चुनेटली मैं लोगों को कह दूँ कि अपना टाइम और ब्रेथ वेस्ट ना करें क्योंकि मुझे बियड द पॉइंट कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मैं जानना चाहता कुछ चीज़ें ओके okay? हम लोग को उस समय सुनाई देता था आमिर खान एंड पूजा भट्ट दिल है कि मानता नहीं मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करते रहे थे वाकई में हो रहा था कुछ ज़्यादा ही बात करते थे हम मैं और आमिर इतना बात करते थे कि जो उस जमाने में डबिंग होता था नो देख साउंड तो जब भी हम जाते थे टू uh -huh. नटराज स्टूडियोज हमारे डबिंग के लिए तो हमारे साउंड रिकॉर्डर्स ने मुकेश भट्ट से बात की उन्होंने कहा कि हो गया बोला हाँ पूजा का तो हो गया मगर वो बैठ के आमिर से बातें कर रही है अभी उसने बोला वो जो पर्दा है ना फिल्म में जब वो पर्दा लगाते हैं वो रूम में दर्द वो ब्लैंकेट बांधते है उधर रस्सी के ये आपका साइड ये मेरा साइड वो बांध दो यार ताकि वो मिले नहीं और बातें ना करें तो ऑलवेज़ बातें नहीं हम लोग आर्ग्यू करते थे वी वर इवन नेम टॉम एंड एट वन पॉइंट। बिकॉज़ माने ऐसा कुछ नहीं बवाल नहीं था उस समय राइट नहीं, नहीं बवाल नहीं ऐसे ऐसे नहीं कुछ था पर दिल है कि मानता नहीं तो वो बाल वाला आप करती थी ऐसे जी बिल्कुल करती थी हाँ थोड़े लंबे हो गए हैं बट करती थी में भी मेरा फ्रेंड था माने वो ऐसे रोल के लिए नहीं था ये यू? <laughs> मैंने ऐसे कर दिया शॉर्ट में तो वो फिर यूज हो गया

तो डॉक्टर्स बिलीव कि अगर आपके फेस पे कोई भी ग्रोथ है यू टेक इट आउट बिकॉज यू गेट इट टेस्टेड ना mm. तो छोटा सा मोल जो था वो मैं मैंने निकाला और मैं बायोप्सी के लिए मैंने भेजा इट वॉज क्लियर ऑफकोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तो उस टाइम पे मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट ऐसी मिल गई डॉक्टर के दफ्तर पे एंड शी सैट यू नो लवली टू मीट यू आपका स्किन बहुत अच्छा है बट यू नो आई थिंक आई कैन गिव यू समथिंग टू फिल दिस अप आई कैन गिव यू मैंने कहा देखो आपका जो दुकान है ना आई सेट आई एम द रॉन्ग पर्सन क्योंकि अगर जिंदगी ने मेरे चेहरे पे एक रिंकल डाला है या लाफ लाफ, लाफ लाइंस हैं अंडर माय आईज और यहाँ पे तो वो मेरी कमाई है जिंदगी ने मेरे फेस पे वो स्टैम्प किया है इफ़ आई गॉट सेल्यूलाइट अगर मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं जो औरतों के साथ योर बॉडीज़ चेंज आफ्टर चाइल्ड बर्थ दे चेंज एज यू ग्रो ओल्ड अभी आप उस चीज़ को लेके इधर यू फील डिफीटेड और आप कहेंगे कि माई बॉडी इज टर्निंग अगेंस्ट मी और यू सेलिब्रेट इन कि दिस इज द पैसेज ऑफ टाइम ये दुनिया मुझे तोहफा दे रहा है तो मैं क्यों एक स्त्री लेके मेरे हर लाइन को आइन आउट करूँ दिस इज़ मी एंड आई एम एज डिफाइनली एंड ग्रेसफुली ठीक है आपने कलर डाल दिया अपने बाल में क्योंकि ग्रे भी स्टैंड आ जाते हैं तो वो मैं कलर कर लेती हूँ बट किसी और को बोटोक्स यूज़ करना है किसी और को फिलर्स यूज़ करना है बाई ऑल मीनस आप कर लो आई डोंट जज यू मगर आप अपने अन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मुझ पर ना थोपे बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट बिग लाई दैट वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आपको हर दिन ये फीलिंग देती है hmm. कि वी कैन मेक यू बेटर योर गुड सिद्धार्थ मगर हम लोग अगर ये कर दें ना फिर आपका ये निकल जाएगा ये जो शापर कर देंगे नहीं चाहिए यार कुछ नहीं चाहिए शापर फापर लाइन जो है आना चाहिए एक्टर की फेस पे मोबिलिटी hmm. होनी चाहिए hmm. आधे लोग को आप देखते हैं आज उनकी फोरहेड में भी क्रीजेस नहीं आते हैं बिकॉज बोटॉक्स डाल के बैठ गए हैं कि चेहरा हिलता ही नहीं है, चेहरे में mobility, दिल में दिल मोबिलिटी फिजिकल मोबिलिटी जरूरी है life. आप, मैं ये मानती आप और आलिया क्या पैल्स हैं या फिर एल्डर सिस्टर यंगर सिस्टर रिलेशनशिप है क्या बॉन्ड है आलिया ने मुझे फोन किया था जैसे मैं बाहर आई बिग बॉस के घर से और उसने कहा कि पूजा मुझे लगता है कि मैं ये बिग बॉस के दौरान आपसे क्लोजेस्ट बनी हूँ क्योंकि मैंने एक दिन भी छोड़ा नहीं शी शीज टू वॉच द शो ट्वेंटी फोर सेवन इट्सर शी सेट सेट मुझे लगता है कि मैं और करीब आई हूँ आपके साथ में इस एक्सपीरियंस के थ्रू बिकॉज मैंने ट्वेंटी फोर सेवन आपको देखा है कि आप क्या कर रही है जब भी मुझे याद है कि जब मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी जब वो कीचड़ वाला टास्क था एले से उसने साहब को फोन किया

उनके पिताजी के साथ में ऋषि mm. कपूर के साथ में एंड आई थिंक जो मैंने ऋषि कपूर और मिथुन मिथुंदा से सीखा आई हैर्न फॉर एनी बडी उन्होंने मुझे ये सिखाया कि यार ज़्यादा सोचो मत कैमरा के सामने खड़े हो जाओ गिव योर हार्ट एंड सोल एंड अबाउट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ डोंट लुक बैक तो ईज इन्जॉयमेंट की इन्जॉय द शॉट इन्जॉय वॉट यू आर डूइंग बिलीव इन वॉट यू आर एंड जस्ट गिव एवरी बिकॉज उस जमाने में तो डिजिटल नहीं था ना फिल्म mm. तो फिल्म वॉज एक्सपेंसिव मुझे दा ने बोला मुझे याद है कि क्या है ये परफेक्शन का बीमारी की बीमारी है कहाँ से आया है आप ये भूत आपके अंदर आमिर खान के साथ काम करके आया है क्या परफेक्शन से एक दो या तीन टेक मिलेगा जो करना है करो होशियारी मत करो और भूल जाओ उसके <laughs> बाद में सेम थिंग गिव इट योर ऑल मूव ऑन गिव इट योर ऑल मूव ऑन एंड वॉट आई टेक फॉरवर्ड इन लाइफ अभी बिग बॉस भी मेरे लिए इतना चैलेंजिंग फुलफिलिंग

मनी फॉर फैमिली एट पॉइंट बहुत ही जनरस इंसान है वो ठीक है था था जब, जब मैं बच्ची थी और मैं जाती थी मॉडलिंग करने के लिए पॉन्ड्स वॉन्ड्स के लिए लक अम, not, uh, अपना पेज सोप के लिए तो उस टाइम पे जो मुझे चेक मिला था वो घर आया था और इट मस्ट हैव केप द होम फायर्स बर्निंग मगर मेरे माँ बाप ने मुझे पैदाइश दी है दे ब्रॉडमे टू द वर्ल्ड जब उनके पास कुछ नहीं था आज के दौर में जब आप किसी से बात करें कितना प्लान करते सिद्धार्थ कि नहीं जब तक हमारा ये फ्लैट नहीं होगा इतने पैसे नहीं आएंगे बच्चे के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते ये सब होता है ना बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव टू हैव अ चाइल्ड टुडे यार एजुकेशन कॉस्ट दैट मच यू नो कि ये ये है जो है यू नो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स मगर आई थिंक एक ज़माना था जब भी हमारे माँ बाप जो थे उन्होंने सोचा ही नहीं उन्होंने बस जिम्मेदारी ले, ले ली कि हम इस बच्चे को पैदा करेंगे और फिर उसके बाद में देख लेंगे सो so, अगर दे गेम मी लाइफ इज इन वेरी लीस्ट दैट आई कुड अगर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन की है

या जो भी होगा हाउ ऑफन चाइल्ड जस्ट से मम्मी पापा गिव मी अ किस एंड यू गो दिस वे तो मैं अब भी इस उम्र में भी अभी भी वही टेन एंड हाफ पाउंड की बच्ची हो ना फॉर माई फादर वो जिंदगी भर वही रहेंगे ना फॉर मी सो इट वॉज लिटरली अ मोमेंट दैट वॉज एब्सोलुटली इनोसेंट विच वॉज कैप्चर्ड और उसकी कॉनिटेशन्स जो है जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे जिनको देखना है वो देखेंगे मगर मैं इस चीज़ को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ बिकॉज़ आई थिंक दैट थिंग जब आप बोलते हैं कि लोगों ने ये कहा वो कहा अगर लोग एक बाप और बेटी के रिश्ते को अलग नज़रिया से देख सकते हैं तो फिर कुछ भी देख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ना और फिर हम बात करते हैं फैमिली फैमिली वैल्यूज़ की फिर हम बात करते हैं बहुत सारे चीज़ों की मतलब एक बहुत

कॉन्स्टेंटली जो अगर पचास कॉमेंट्स आते हैं जो अच्छे हैं और एक इंसान चूज़ करता है गाली देने के लिए कि क्या मैं वो गाली पे ट्यून इन करूँ या पचास या अच्छे कमेंट्स पे ट्यून इन करूँ आज एक्सेसिबिलिटी है कि आप किसी के इंस्टाग्राम की फ़ीड पे या ट्विटर की फीड पे आके कुछ भी आप छुप रहे हैं एक तो आपके फ़ोन के पीछे या आपके कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे तो आप कुछ भी कह देते हो आधे ये जो लोग हैं उनके एक फॉलोअर दो फॉलोअर आठ फॉलोअर कुछ तो नल्ले अकाउंट्स भी है एग्जैक्टली exactly. नाउ पहले लोगों को आपके आपको मिलना पड़ता था फिर आपको चेहरे पे आंख में आंख मिलाकर बोलना पड़ता था कि पूजा भट्ट आप जो है ना बहुत ही वाहियाद इंसान है तो लोग वो कम करते थे ये सारे जो ट्रोल्स है हाफ ऑफ देम आर बॉट्स एज यू नो बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो ब्लाइंड हेट्स प्यू करते हैं उनकी जिंदगी में कुछ तो तकलीफ होगी वरना क्यों करेंगे सिद्धार्थ अगर उनकी ज़िंदगी इतनी फुलफिल्ड है अगर वो इतने खुश हैं अगर वो इतने जर्नरिस्ट लोग हैं तो वो बैठ के पूरा दिन सुबह से शाम बुराई नहीं करेंगे ना लोगों की जो लोग बुराई करते हैं दूसरों की तो शायद वो बहुत तकलीफ़ में खुद हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ तो होगी जो उनको तकलीफ़ देती है या वो इतने डिटर्मेंट है कि वो नोटिस हो और उन्होंने उनको समझ में आ गई है यार कि तारीफ़ करने से मैं नोटिस नहीं हो रहा हूँ मैं गाली चीख लेता हूँ सड़क पर तो लोग नोटिस करेंगे And it's all being done for that one moment of attention. So, my condolences and my deep affection for people who wish to be abusive because it's sad, you know. Aapko maalume, Rahul Roy ke kya hua hai? Kya hua hai, He's at a brainstorm. That yeah, I know, yeah, I've spoken yeah, yeah. to him a few times. He wishes that aap unke touch ho. Yeah, I know. But I mean, he, uh, I have not been in touch with him. We are initially connected when he was being treated or whatever it might be. बट मी एंड राहुल यूज टू मीट स्पोरिकली मेरा और दीपक के साथ बहुत तेरा रिश्ता है दीपक इज माई बॉडी राहुलो वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड हमने बहुत काम की बट येस आई हैव नॉट मेट हिम तो परिस इज द टाइम टू गो आउट फ्रॉम योर और उसको फोन करके मैं शायद मैं, ना? हाँ हाँ हंड्रेड परसेंट करूँगी बहुत मस्ती किया हम लोगों ने बहुत ट्रैवल भी किए साथ में वी पार्टी डलॉट बहुत बहुत कुछ किया